लगभग 45 किलोमीटर बाबा धाम से पड़ता है। और ये देख सकते हैं नदी क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा व्यू होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये पुल। और इधर हर हर महादेव बोलबम। दोस्तों अभी हम लोग जो है 35 से 40 किलोमीटर चलकर स्टे किए थे। एक दिन का जो हम लोग का चाल हुआ वो लगभग 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर हम लोग चले हैं। आप देख पा रहे होंगे सुबह हो गई है और कांवड़िया लोग जो है प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे ये वीडियो तो आपको लेट मिलेगा। आज है 27 तारीख और हम लोग को 29 तारीख को जो है बाबा धाम में पहुंचना है और जल अभिषेक करना है। तो आपको बता दें कि अभी हम लोग 35 से 40 किलोमीटर चलना है। हम लोग को लगभग हम लोग को अभी चलना बाकी है 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर हम लोग को चलकर फिर देव बाबा धाम चलना है, पहुंचना है। तो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए कि हम लोग जो है अच्छे से पहुंच पाए। तो हमारे सारे लोग तैयार हो चुके हैं और हम आपको पूरा व्यू जो है आपको देते हुए चलेंगे बाबा धाम तक। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बोलबम आप देख पा रहे होंगे ये प्राइवेट व्यवस्था होती है जो कि हर जगह मिलता है। कदम कदम पे जब आप सुल्तानगंज से आप निकलते हैं तो कदम कदम पे ये व्यवस्था जो है पैदल यात्रियों को ये मिलता है। ये है प्राइवेट, और सरकारी भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। सरकारी भवन जहाँ पे सरकार तरफ से व्यवस्था होता है, सरकारी धर्मशाला, वहाँ भी आपको हम दिखाएंगे। तो लेकिन होता क्या है कि सरकारी धर्मशाला का डिस्टेंस काफ़ी लंबा होता है, इसलिए लोग ये सब व्यवस्था जो होता है प्राइवेट की तरफ से ये बहुत सुविधा करता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे। बोल बम। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग जो है पैदल यात्रा करते हैं। देख रहे हैं काफ़ी संख्या में बम इस बार आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये भीड़ माता बम, हर माता आगे रहती है हमेशा किस तरह, इस बार भी माता बम है। और उधर देख सकते हैं इधर कावर रखने का आप सुविधा, जो बांस बल्ला लगता है इस पर कावर रखिए, और रखने के बाद आप इस जगह इच्छा के अनुसार जो है यहाँ पे आप रुक सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट व्यवस्था है और सरकारी व्यवस्था जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं, बने रहिएगा। बोल बम दोस्तों, ये है कुमरसार नदी में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बम लोग जो है सारे लोग कुमरसार नदी से क्रॉस करेंगे, अब कुमरसार नदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम कुमरसार नदी, हम लोग कुमरसार नदी क्रॉस कर रहे हैं। यही कुमरसार नदी है क्योंकि हमें देवघर जाने में पैदल रास्ता में मिलता है। ये देखिए, ये है दोस्तों कुमरसार नदी जो कि हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कुमरसार नदी में। और ये लगभग 45 किलोमीटर बाबा धाम से पड़ता है। और ये देख सकते हैं कुमरसार नदी, इसमें प्रवेश करके हम लोग को जाना है। तो बस इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद जो है दूसरा नदी आता है। ये पहला नदी है जो कि बाबा धाम से हम लोग चलते हैं, तो पीछे रास्ता पैदल रास्ता में ये पहला नदी मिलता है जो कि हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है, कुमरसार नदी। तो दोस्तों कुमरसार नदी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे हम लोग काफ़ी संख्या में पार कर रहे हैं। मैंने बताया पहले भी कि काफ़ी इस बार भीड़ हो रही है और भीड़ बाबा धाम में कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। तो ये कुमरसार नदी क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा भी होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये पुल। और इधर तो सभी से मेरा निवेदन है, आप धीरे धीरे आए और यहाँ की व्यवस्था पर एक नजर रखें। ये
महादेव प्रीतु कुमारी हर हर महादेव बोल बम 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 बोल बम